बाराबंकी जिले से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है। यहाँ के दलित महिला का पहले चार लड़कों ने कार से अपहरण किया, फिर उसके लेकर खाली घर में पहुंचे, जहाँ उसके हाथ पर बांधकर मुंह में कपड़े डालकर चारों लड़कों ने पूरी रात बारी बारी से दलित महिला के साथ गैंग रेप किया। जब पीड़ित महिला ने किसी तरह मोबाइल से अपने घर वालों को सूचना दी, तब जाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने महिला को छुड़वाया और एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि तीन लोग फरार बताए जा रहे हैं। अब पीड़ित महिला और उसका परिवार बाराबंकी पुलिस पर मदद की बजाय उल्टा धमकाने और जबरन सुलह कराने का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने जब बाराबंकी एसपी से मदद की गुहार लगाई, तब पुलिस हरकत में आई और अब कार्रवाई करने की बात कह रही है। एसपी के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जितने भी अभियुक्तों की जानकारी इस मामले में मिलेगी, सभी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम जो गलत हुआ है वही कदम है हमारा, हाँ जो गलत करीन है वही कदम है हमारा। अरे कोई बात नहीं चच्चू, काहे वही गलत करी के लिए, मतलब इनके ऊपर जो घटना घटी, फिर चार लोग गलत इनसे काम करवाइन, तब भी हमका गिरफ्तार नशे नहीं है, फिर हमका फोन करीन, तब हम 112 नंबर मिलाएं, फिर हुआ हमार सुनवाई नहीं है, नहीं 112 मिलाया तो पुलिस मौके पर गई रहे ना। दोनों कंडकार अपने थाने ले गए, अब थाने में कुछ बार बहुत गर्मी दिखाओ, हम खूब तमाम करें, कहें तुमको बंद कर देंगे, तुम्हारे लड़के को बंद कर देंगे, तो हम कहें चलो कोई तरह जो कहा है ठीक है, हम अपने सूरा लगा के बस जल्दी चले। तब आज मालूम हम अपने कहें कि अपने बाराबंकी ये भी कुछ करना, तो कोतवाल का है सुला लगवाई।